मेरा पेचल मेरा बेटा, तू काय को परेशान है भाई? मेरे को बता मैं तेरा बापू क्या परेशानी? क्या परेशानी बताऊं पापा, सो भी करता हूँ, कॉम्बे रिम भी करता हूँ, मेहमानों की थोड़ी में हाथ पकड़ लगा के उनको लेके भी आता हूँ, क्वेश्चन भी बनाता हूँ, प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व करता हूँ, सब मैं करता हूँ। ये क्या तमाशा हो रहा है घर में? इल्जाम लगाते हो कि दो औरतें होती है तो खटखट करती हैं, अभी हमारे में इतनी मोहब्बत इतना प्यार हो गया है, दिल नहीं भी चाहता इसको मैं गले लगाती हूँ, तो ये क्या मुंह बना के बैठा हुआ है? ऐसे नखरे करता है? मेरी प्रॉब्लम तो सुन, तेरी काय की प्रॉब्लम है? तेरी प्रॉब्लम है चेक, हम तेरे मुंह पे पैसा मारते हैं तो तू हमारी खिदमत करता? मैं दूसरा आर्टिस्ट बुला लूंगी, दिखा दूंगी घर से तेरे को पैसा। मेरे को देती हो खाली काम करने का, गेट खोलने का पैसा नहीं देती हो? देख गफर, देखा माँ से बच्चे? देखा तूने कभी ऐसी आवाज में बात की? बदतमीजी है, नई नस्ल है ना ये? ये नई नस्ल है तो नई नस्ल को सर पे चढ़ाओगे तो चलेगी ना? तो हुआ क्या? गंडे गोले की गाड़ी पे खड़ा होगा, पेटी पे भी नहीं बैठेगा, ये सिर्फ बर्फ रगड़ेगा। देख मेरी प्रॉब्लम तो सुन लो। अच्छा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो सुन लो खुदा के लिए। सुबह 9 बजे से 7 बज गया, शाम का 20 दफा मैं गेट पे जा चुका हूँ, कोई बेल बजाता है होता कोई नहीं है, खोल के आ जाता हूँ, मैं थक गया हूँ, मेरी टांग टूट गई। ये तो बेल देखो इसका, ऐसा भी मुँह अच्छा नहीं लगता है, कितना बुरे बुरे मुँह बना रहा है। बेल बजी मेरे को बोल, हम लोग को कौन बदमाशी करता है? मेरे गफर भाई के घर में ऐसा हो? ये डंडा उठाओ, अभी जाके सर फोड़ो उसका। ये डंडा मैंने वैसे बहु माफ करना रखा आपके लिए, हाँ जब आपका दिमाग खराब हो तोड़ दूं, लेकिन आज देखना गफर तूने आज थाने में जाना है, आज तेरी माँ इधर कत्ल करेगी, देखना दोरा जी की कातिल अकेला है। माँ तू बिन मैं जा रही हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया। माँ बिन हम देख तो आना कौन है? पप्पा मेरे को डर लग रहा है, दादी पे पहले ही 6 कत्ल है, 7वां नहीं करते। अरे कौन है मेरे पास दरवाजे पे आया? बदमाशी करते तुम्हारे बाप का घर है? देखो अभी मेरी आवाज सुनकर डर गया कोई नहीं है? चल पहले बोला घंटिया बजा तो घंटे बच्चा पकड़ा तो बोलता है मेहमान है बच्चा। ये मेहमान मकसूद भाई बहुत सीनियर एक्टर है, टेलीविजन फिल्म में और स्टेज का बहुत मशहूर है। अरे नहीं, ये कोई अपनी माँ का दही लेने निकला है, दही के लिए भेजा, इसको भेज, इसकी माँ ढूंढते होंगी। नहीं नहीं मैं आपसे माफी मांगता हूँ दादी, काई का मेहमान है, मेरा तो कलेजा फाट दिया। मैंने बोला जमीन से कोई कीड़ा निकला है, कोई काकरोच है, पता नहीं कौन है ये मेहमान। गेस्ट बहुत सीनियर आदमी है, फिल्म में काम किया, टीवी रेडियो बहुत पुराने आर्टिस्ट है, ये जुमा बाजार में दर्जन में मिलते हैं। अरे पता है मैं एकदम से मैं बोली वो बच्चा है, हम लोग के दरवाजे में दीवार टूटी हुई है ना, सड़क टूटी हुई है, मैं बोला पाइपलाइन में से निकल के आया। सच्ची बोल दादी, दादी ये नीचे गेस्ट गेस्ट मैं इनका अनाउंसमेंट करता हूँ, लोग इंतजार करते हैं, माफ करना मैंने तेल पिला के रखा है डंडा अपनी बहू, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे खड़ा था उस वक्त मेरी गाड़ी के बोनट पे 0 मीटर से। जब तो मैं बोलूं सुबह रोज मेरी गाड़ी के बोनट पे बिल्ली के पंजों के निशान कैसे नजर आ रहे? तो आपको इतना शौक है दोरा जी में आने का, आप रोज आके इधर गाड़ी पे चढ़ते हो? खैर चलो अभी मैं अनाउंसमेंट करता हूँ, लोग इंतजार कर रहे हैं। एक मिनट ठहर जा, इसको संभाले नहीं तो इसको तो कोई चील भी उठा के ले जाए। तू नहीं पकड़ बोलेंगे वागू इसको खा रहा है, इसकी तो सांस भी छोटी छोटी। ख्याल रखा ख्याल रखा, मैं अभी आया। चल हट जा इसको ले चल चल। हेलो हाँ हेलो अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हज़रात, गफ्फार दैट दोरा जी में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद। और आज हमारे जो गफ्फार दैट दोरा जी में पहले मेहमान हैं, बात यह है खवातीन और हज़रात के कुछ लोगों की शख्सियत में अगर अल्लाह ताला कुछ कमी रखता है तो बाज़ औक़ात वो कमी उनकी शोहरत का बाइस बन जाती है, और ऐसा ही कुछ हमारे इस मेहमान के साथ भी है। इन्होंने बहुत काम किया, 58 से मुंसलिक हैं, टेलीविज़न से, रेडियो से, स्टेज से, फिल्म से बहुत काम किया है, और जितना काम किया है बहुत अच्छा और सुथरा काम किया है। हमने इनको जिस रोल में भी देखा, जब ये हंसे तो हम हंसे और जब ये रोए तो हम भी रोए, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। आपकी तालियों में बुलवा रहा हूँ मकसूद हसन। मेहमान आई हो, मेहमान है, इसको कोई छोटे से बटपे में डाल के ले आते ना, ये कोई मेहमान ना है, अल्लाह माफ करे। सीढ़ी लगाना भूल गया, कोई बात नहीं माशाल्लाह, ये पहला मेहमान है जो मैंने गोद लिया है भाई। सबसे पहले मकसूद भाई के लिए तालियां के गफ्फार दैट दोरा जी में तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया मकसूद भाई।
क्या बुलाया क्या तूने? मकसूद हसन बहुत सीनियर। तो मैंने कौन सा बोला मकसूद, इसको कच्चा तोड़ लिया क्या? नहीं नहीं, 68 में आपने काम शुरू किया रेडियो से। जी जी। रेडियो पे आप क्या प्रोग्राम किया? मैं रेडियो पे पहले मैं बच्चों का प्रोग्राम किया करता। तो बच्चों में ही बुलाएंगे ना आपको, कोई बुड्ढों में बुलाएंगे? उस वक्त तो बच्चे ही होंगे ना, जाहिर है बच्चे होंगे उस वक्त। ये बच्ची कौन है? क्या मैं सबके जाऊँ? कोई मेरे को बच्ची बोलने वाला हुआ नहीं, तो जब तेरा दादा था तो मेरे को बोलता था ये झूले का तू बच्ची है। या अल्लाह, ये बच्ची है तो फिर मैं तो झूले में हूँ भाई। हाँ, ये तो पैदा ही नहीं हुई है दादी। अम्मा शीशा निकाल के देख लो कौन छोटा है कौन बड़ा है। अच्छा खैर, छोड़ ये चोड़। कुछ पूछ रहे हैं इनके बारे में? छोड़ छोड़, पूछ रहे हैं ना, पूछने तो दे। ये लड़की क्या कहती? बेटा बेटा आपका क्या नाम है? बेटा मकसूद भाई। बेटा मैं तो बेटा मकसूद भाई। ये मेरे पापा हैं, बाहर तारुफ कराया था। अच्छा, है अच्छा, ये मेरी अच्छा, मम्मा है। हाँ। ये दादी है, दादी है, दादी आपकी दादी, दादी 70 से ऊपर की किसी चीज को दादी या दादा कहते हैं। मेरी दादागिरी है, आप यकीन करो मैं दादी वादी कुछ नहीं हूँ। इससे 5 साल इससे भी छोटी हूँ। माँ माफ करना। अरे ऊंट पे बेटा मेरा मुन्ना, ऊंट के पीछे बच्चे, अरे झूम झूम के बच्चे गाय, चलम चल आ चलम चल आ चलम। मुन्ने का तो बताओ कितने साल का हुआ है? एक्सक्यूज मी सर, मैं बात कर लूं, प्लीज मेहमान। अच्छा मकसूद, आपने रेडियो से आगाज किया बच्चों का प्रोग्राम? जी, मैंने रेडियो पे प्रोग्राम किया, फिर उसके बाद स्टेज ड्रामा किया बाजीगर सबसे पहले, उसके बाद एक नाना मियां एक ड्रामा था। उस जमाने में तो स्टेज बड़ा मुश्किल होता था। हाँ बहुत मुश्किल होता था। लेट मशीन पे काम करवाते स्टेज पे काम करना बहुत मुश्किल होता था। घर से आप आते कैसे थे? बेटा ऊंट पे आता था। नहीं ऊंट पे कैसे, ऊंट पे आते थे नहीं, जैसे रिक्शे में बस। क्या कह रही हैं आप, क्या कह रही हैं मुझे? मेरा मतलब है कि इतना छोटा सा बच्चा घर से निकला, कोई समझे दही लेने निकला है, तो आपको कोई डांट के भगाता नहीं था भाई? कोई क्या? भी मक्खी पकड़ ली बैठ के चल दिया। मकसद भाई एक्सक्यूज मी, आपने शादी की? शादी कोडू ने तो की। अच्छा, मैंने आपका हशर देख ही लिया, आपने भी शादी की है? देखा तेरी कितनी, मेरे हाथ ही जोड़ना मम्मा, ये देखो जब ये हाथ जोड़ती है, मैं मंदिर की पुजारन हूँ, कौन हूँ मैं? मम्मा, ए, अम्मा अपने मायदे से नहीं हटना, कैमरा ऑन है अम्मा। तो कैमरा तो मेरा है माँ, मैं तेरे से कितना प्यार करती थी, मेरी प्यार का फायदा उठाना चाहिए अम्मा। मैं दबाने का, मैं छोटे छोटे कपड़े सारी चीजें लेके गई। अभी मैंने आपको 10 दफा बोला है हाथ नहीं जोड़ा करो, आदाब किया करो, आदाब किया करो, ऐसे करके ये तरीका होता है ना। मैंने चैनल बंद करवा दिया इस पे असर नहीं, अभी मैं सोनी वाला भी देखना बंद करवाती हूँ। ओके मकसूद भाई जी, वैसे सवाल तो सवाल में संजीदगी तो है, शादी की आपने? नहीं मैंने शादी नहीं की। क्यों? लड़की वाले नहीं माने। वो जवाब दे रहे हैं कब जी, क्यों नहीं की मकसूद? मिली ही नहीं कोई। आप ऐसा करो अपनी तस्वीर मेरे को दे दो, मैं किसी मैरिज ब्यूरो में दे दूंगी, शायद कोई रिश्ता मिल जाए। आपका लड़की कटवा के ले आएंगी आप? क्या बात कर रही हैं आप, लड़की भाई जाहिर है उनका। अच्छा मसरूफियात भी कुछ ऐसी रही होंगी, जिम्मेदारियां भी रही होंगी, बहुत से लोग इस वजह से भी शादी नहीं करते। नहीं मैंने खुद ही जान के शादी नहीं की। देखो शादी करना, नाम लेना शादी तो आसान है, उसको निभाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा ठीक है, तो लिहाजा शादी इंसान जब करे जब मजबूत हो अपने आप। और इसके बच्चे हो में इससे बड़े बड़े हो जाए तो इसको मार मार के स्कूल ले जाए। सुना आपके पास पैसा बहुत है। पैसा चाहिए आपको? नहीं असल में मैं बिजनेसमैन आदमी हूं, स्टॉक एक्सचेंज में मेरा शेयर। स्टॉक एक्सचेंज में है ना, वो चाह रहे हैं आप इन्वेस्ट करें कुछ। इन्वेस्ट करें आप तो बड़ी जगह जगह बाबा ना, मैं आपको पैसे नहीं देने, और बहुत से लोगों को दिए, वो खा गए मेरे पैसे। तो आपकी पेमेंट लोग खाते? कौन सी पेमेंट? जो अभी काम करते हैं तो कोई आपको पैसे देने का वादा करें, जब आप पैसे लेने जाओ बोले चले दफा हो इधर से। नहीं नहीं चेक की जगह इन्हीं को साइन कर दे। कह के तो देगा, मैं समझ रही थी टिड्डा है, तो टिड्डा बदमाश है। रतन तलाव में इसने बहुत बदमाशी की है। मैं हूँ छोटा मगर बड़ा खतरनाक। मेरे को माफ करना। नहीं 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 अम्मा मैं जाती हूँ।
छुरी ये। चलो आपसे मिलके मेरे को इतनी खुशी हुई है, आज मेरे दिल में एक तो सुकून हो गया कि जब भी कभी मेरे पे कोई जुल्म करेगा मैं आपको बुलाऊंगी। मकसूद भाई बहुत आज तेरी माँ देख कैसे डरती है, मेरे भी चचा की तरह मैं भी बुला लूंगी इन्हीं को। ये बहुत खतरनाक आदमी है, चार कत्ल कर चुके हैं नेल कटर से। बताओ इनके बिल्कुल मुंह मत लगिएगा, कोई बदतमीजी मत कीजिएगा, प्लीज इनकी इज्जत कीजिए। देखने में शरीफ आदमी है। मकसूद भाई एक मेरा क्वेश्चन है, मेरी एक कमेटी जोरा खा गई, आप मेरे साथ चलो मेरे को वापस तो दे। कमेटी कितने की है? 5,000 की है। 25,000 ये लेता है बदमाशी की। बोल क्या घर से ले रही है? अच्छा आपकी बहन जिनको हम मुन्नी बाजी के नाम से, जी जी, उन्होंने काफी अरसे रेडियो से प्रोग्राम किया, बहुत अरसे प्रोग्राम किया, कहानियां सुनाई उन्होंने बहुत, बच्चों के प्रोग्राम भी करती थी ना। जी हाँ जी हाँ। तो अब तो वो रिटायर हो गई, अब घर पे हैं। अच्छा उन्हीं को देख देख के मैंने काम सीखा। अच्छा मकसूद भाई कभी ये कद आपके काम में आड़े आया, कभी प्रॉब्लम बनी कि कोई रोल आपको मिलते मिलते रह गया हो और ये सोच के कि यार कद से प्रॉब्लम हो जाएगी? नहीं नहीं, ये बेकार बातें। अगर जो काम मुझे मिला और मैं कर सकता हूँ तो मैं उसको करूँगा जी। तो ये जबरदस्ती थोड़ी है किसी के साथ। अच्छा, ये प्रोग्राम आप करो। एक दफा आप मुल्क छोड़ के भी भाग गए थे, बोले अभी पाकिस्तान नहीं आऊंगा, फिर क्यों आ गए पाकिस्तान? तुम्हारी याद आ गई थी। नहीं तो अभी तो आप कह रहे थे शादी करने का कोई इरादा नहीं, फिर आप मुसलसल वहाँ कुछ ना नहीं। हमारे तो ऐसे भी खानदान में बाहर रिश्ता होता ही नहीं है किसी का भी, कोई रिश्ता डाले भी तो अपने नहीं देते, ना छोकरी लेते ना छोकरा लाते, हम लोग तो अंदर ही अंदर वट्टा सट्टा करते। अच्छा ये सट्टा तो कर सकते हैं। सट्टा खेलते होंगे ना। अच्छा मकसद भाई गाने से शौक रहा कभी? नहीं गाने से, गाने वाली से। वो ऐसे एक बच्चों का प्रोग्राम किया था 1968 में टीवी में, इम्तियाज साहब हुआ करते थे जी। उन्होंने एक बच्चों का प्रोग्राम कराया और उसमें मैंने गाना गाया। क्या कौन सा? क्या याद नहीं है मुझे, बच्चों का गीत। हाँ बच्चों के लिए था तो वो मैंने प्रोग्राम किया था, उसी पे एक्टिंग की थी। मकसूद भाई ने फिल्मों में भी काम किया ना जी? आपने फिल्मों में भी तो काम किया? हाँ फिल्मों में बहुत। एक फिल्म का नाम बताएंगे जिसमें एंथोनी क्वीन, रंगीला, नदीम, बदर मुनीर, वो कौन सी पस्तो फिल्म? ये ऐसी किसी फिल्म में उन्होंने काम नहीं किया? नहीं नहीं ऐसी किसी फिल्म में काम नहीं किया। फिल्म में तो बहरहाल काम किया जी बिल्कुल। कौन कौन सी फिल्म्स, कितनी फिल्म्स की आप? मैंने काफी पिक्चर किए, जागो इंसान। तो आप जागे? नहीं रात को जागता था, दिन में सो जाता था। अच्छा जाग उठा इंसान, अकेले न जाना, फंटूश, मेरे बच्चे, मेरे यहाँ। क्या रोल्स थे इनके अंदर आपके? जाग उठा इंसान में बहुत अच्छा रोल था, डाकू पकड़ने के लिए था, डाकू के साथ। डाकू क्या क्या? डाकू के साथ था। डाकू के साथ थे आप? बच्चा बने थे? नहीं उनका बंदूक बने होंगे। और जरा जहाँ बर्फ गिरती है, यूसुफ खान शेरबानो पश्तो पिक्चर थी। अच्छा पश्तो फिल्म में काम किया? पश्तो आती है आपको? पश्तो फिल्म में क्या काम किया या गाना था उसमें आपका? नहीं काम किया, गाना। मैं समझी आपका कोई डांस होगा। आप कॉमेडी बहुत करते हैं। नहीं मैं कॉमेडी नहीं, मैं सच्ची सच्ची बातें। अभी मैं सोच रही थी आपकी जो शॉपिंग है ये कहाँ से करते हैं, इतनी मुन्नी मुन्नी चीजें कहाँ से ले? और एक्यूरेट ड्रेसिंग करते हैं, बड़ी अच्छी मैचिंग के साथ बने हुए। देखें इनका पॉकेट चीफ देखें, जैकेट देखें, मैचिंग। ये शुरू से शौक रहा है पहनने ओढ़ने का। इसका दर्जी अलग होगा? वो भी इतना ही है या बड़ा है? नहीं बड़ा है आपकी तरह। अच्छा नहीं मैं वाकई पूछ रहा हूँ। आपको बड़े बड़े जब लोग देखते हैं इस पे खार नहीं आती है कि ये इतने बड़े बड़े में इतना छोटा क्यों? मैं तो नहीं नहीं ये आज तक नहीं सोचा, ये आपकी गलतफहमी है। ये कभी नहीं सोचा कि मैं छोटा हूँ और वो बड़ा है। नेवर। अगर सोचता तो आज को मैं आपके सामने नहीं बैठा होता। सही बात है। बात यह है कि इनको बड़े छोटे से कोई लालच नहीं, असल में इनका नाम और इनके जो किए हुए काम है वो इतने बड़े हैं कि वो किसी भी बड़े आदमी से कंपेयर किए जा सकते हैं। अच्छा एक बात ईमानदारी से बताना, जिंदगी में कभी रोमांस किया? हुई हुई हुई। मैंने रोमांस एक बहुत किए। अच्छा हाथों के तोते उड़ा दिए होंगे आपको? तो पहले मेरे को कैसे पता? सुना था ना, बात की थी ना मैंने पहले। मेरे को मकसूद भाई बताओ ना, आपने मोहब्बत की कोई खास लड़की जो आपको याद आए? बताएं मकसूद भाई बताएं। आप क्या करेंगे?
नहीं मैं इसलिए पूछती हूँ, देखो हम लोग भी ना हमारे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत हो गई है ना, तो हम बोलते हैं पता नहीं कोई अगर मोहब्बत किया मैं बताओ ना, इंसानों को भी तो पता चले हमारे 100 से दुनिया में 100 से ज़्यादा मुल्कों के लोग देख रहे हैं, वो आप जैसे लोगों से मोहब्बत करना सीखें, आप लोग का ख्याल रखें कि आपके अंदर भी दिल है, मोहब्बत है, प्यार है, आप तो कितने मुकम्मल हैं। हाँ बताइए। मोहब्बत करना माशाल्लाह मुकम्मल आदमी है और इतना नाम और इज्जत किससे किया? अबा नहीं इधर मुझसे बात करना, क्या करेंगे, उसकी शादी हो गई, क्या हुआ बताओ ना। आई आई। उसके बच्चे आपको मामू तो नहीं बोलते? आप पहचान गई। सही कह रही है। अच्छा अच्छा। हमारी अम्मा इतना बासन जा रही है तो घर में भी तो मोहब्बत होनी चाहिए ना। नहीं मेरी दादी सबका बैकग्राउंड जानती है, माशाल्लाह पुरानी है ना बहुत की हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे गफार दैट दोरा जी में, मकसूद भाई हमारे साथ है, कहीं मत जाइएगा हमारी इस प्यारी सी महफिल में। थैंक यू वेरी मच खवातीन, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। खवातीन गफार दैट दोरा जी में, शुक्र है आपकी वैसे डांट पड़ी मुझे। अच्छा एक बात बताइए, सबसे ज़्यादा अच्छी यादें आपकी रेडियो से वाबस्ता हैं, फिल्म से वाबस्ता हैं, या टीवी से या स्टेज से? पुराना ज़माना बहुत अच्छा था, जब हम ड्रामे में काम करते थे स्टेज ड्रामे में, मिर्ज़ा गालिब बंदर रोड पर एक बच्चे का करेक्टर किया करता था। तो ज़माने में बच्चे बूढ़े दिखाते थे क्या ड्रामों में? नहीं नहीं, उस वक्त बच्चा हुआ करता था। अच्छा उस वक्त बच्चा था। और अखबार वाले का करेक्टर करता था। अच्छा। और विदाउट माइक हुआ करता था सबसे बड़ी बात। ठीक है। वो जमाना याद है, फिर उस वक्त बात ही और थी। जी हाँ। और एक और ड्रामा था लाल किले से लाल कुएं, ख्वाजा मुइन साहब के द्वारा। जी ख्वाजा मुइनुद्दीन के स्टेज स्टेज प्लेस की बात कर रहे हैं। जी जी जी। उसमें एक सिंधी बच्चे का करेक्टर किया था। अच्छा क्या उम्र होगी उस वक्त आपकी? 18-19 साल। कितने सन की बात है भाई? ये बात कर रहे हैं 50s की। ये जब तो मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी जब। हाँ ये तो वाकई पैदा नहीं हुई। अच्छा किसी जिंदगी में किसी आदमी ने बहुत इरिटेट किया हो, जो गुस्सा आ गया हो, जिस पे मारने मरने पे तुल के दिल का चाह गया हो कि इसको मार दूं मैं? नहीं देखो मैं आपको एक बात बताऊं, गुस्से के तेज हैं आप? गुस्सा मुझे आ जाता है हाँ, मगर अब ताकत नहीं, सबर करता हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि सामने वाला एक अजीब सवाल करता है, अरे क्या हाल है ठीक हो है? तो ये तो सही बात है ना, तो आजकल तो पूछते हैं। और कहेगा यार तुम्हारी उम्र तो मैं जब से छोड़ा था ना जब से देख रहा हूँ, जबकि दाढ़ी उनकी इतनी बड़ी। मैंने कहा अल्लाह का खौफ करो। हाँ। नहीं उनसे छोटे से मुराद ही होगी, जब आपके साइज के होंगे वो, जब की बात कर रहा हूँ। अरे उनकी उम्र मुझसे बड़ी थी। अच्छा ऐसे सवाल आता जो ऑन सेट कभी किसी पे गुस्सा नहीं आया? किसी नहीं, नहीं, एक्टर नहीं, पे नहीं, किसी जूनियर एक्टर पे किसी ने बदतमीजी कर दी हो? कभी ऐसा हो आप बस में बैठे हो किसी ने आपको उठा दिया, चल मुन्ना उठ जा बड़े को जगह? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आज तक तो बैठा नहीं बस में। नहीं जब छोटे थे स्कूल स्कूल नहीं जाते ना, ना, ऐसे तकबर कर रहे हो आप बस में, इतना तकबर कर रहे हो। नहीं नहीं प्लीज 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 माफ करने के मकसद भाई प्लीज, ऐसे में खामा खा यार ऐसा गुस्सा नहीं दिलाओ, नेल कटर निकाल लेंगे हम, नहीं इन्होंने काम भी हम मेहमान है इज्जत कर रहे हैं इसकी, के भाई मेहमान है इज्जत करना भाई, तो इज्जत नहीं तो कौन बड़ी कुर्सी पे बिठा दिया। अच्छा मैं ऐसा इज्जत करूं तू अकड़ी रही है? मकसूद भाई आप समझ में आया हमने शादी क्यों नहीं की? हाँ। किसी औरत ने इसको ऐसी जूतियां मारनी किसी और दादी को सब पता है दादी सब मेरे घर में दिमाग की होती ना तो इसको तार पे लटका देती। वैसे आप मुझे बताओ कौन थी वो, मुझे बताओ ना। वो एक थी बताऊंगी मैं, एक औरत थी इससे बहुत प्यार करता था, ये दीवाना हो गया, वो फिर उसके बच्चे इसको मामू बोले। सब पता सब पता। मैं तो रिसाला पढ़ती हूँ ना, इसमें स्टोरियाँ आती है सबकी। अच्छा। फिल्मी सरगजिश पता नहीं क्या क्या सबकी कहानियाँ होती हैं। अच्छा, अच्छा आपसे एक मैं संजीदा बात करना चाहता हूँ, लिखने की तरफ आपका कभी रुझान, कभी लिखा आपने? जो आजकल डायरेक्शन हो रही है, कभी दिल चाहता है कि अपना हासिल किया हुआ तजुर्बा अपने ही किए हुए काम पे लगाएं, मतलब खुद से कोई काम क्रिएट करें? नहीं देखे जिसका काम उसको साझे, मैं एक्टिंग करता हूँ मुझसे एक्टिंग कराई जाएगी मैं करके दिखाऊंगा, और क्या डायरेक्शन और ये वो ये
जिसका काम उसको शादी, जो डायरेक्टर है वही डायरेक्टर। मुल्क से बाहर कहाँ कहाँ जाके आपने काम किया? मैंने पूरे अमेरिका में ड्रामे किए, स्टेज स्टेज ड्रामे। उमर शरीफ साहब के साथ? हाँ, आपने किया काम? उनके साथ किया, उमर शरीफ के साथ बहुत सारे ड्रामे किए। दुबई गया था, अमेरिका सारा स्टेट घूमा। शायरी पढ़ते हैं आप शोरा को? पढ़ते हैं। ये ट्रक के पीछे वाले शेर याद है आपको? सिर्फ एक्टिंग करते हैं, ना पढ़ते हैं, ना गाना गाते हैं, ना इसको शायरी बहुत अच्छी आती है। आप तो फिर क्या, ये क्या? बस खाली इश्क कर तो वो भी तो नहीं कर। आप वहां से? मैं इतने आज राजा होता तो बेचारा मरा होता, दोबारा मरता आज। अच्छा मकसूद भाई, आप ये प्रोग्राम देखते हैं हमारा? अरे मैं बहुत शौक से देखता हूँ, रात को कोई लगाता हूँ, रात के वक्त मजा आता है। रात के वक्त लगाते हैं तो मजा आता है, मतलब इसके प्राइम टाइम पे आपको मजा नहीं आता? नहीं, वो बादलों में होता नहीं। अच्छा आप मस्जिद जाते हो नमाज पढ़ने? अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पे क्या होता है, सबसे आगे होते हो या तुमको धक्के देके पीछे कर देते? कोने में होता हूँ, कोने में खड़ा हूँ। बादे वक्त तो बच्चा समझ के पीछे कर देते। हाँ मैं यही बोल रही हूँ, चल बेटा पीछे जा ना। ये होता है बड़ा आदमी, तो नियत बानी हुई है। अब दो हाथ आए, अब मैं उनको गरम में नहीं बोले जाके पीछे खड़ा कर दिया। बाद में फिर आपने उनके हाथ पे अपनी शेप चुभोई होगी। फिर मैंने उनको कहा भाई माफ़ करना, फिर माफी मांगी होगी ना। इसीलिए ये प्रोग्राम में ये बात बोलनी चाहिए, क्यों? अगर ऐसे लोग हों तो लोगों को चाहिए ख्याल करें, ये हमारा सरमाया। और इनका एहतराम इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि इनके पेशानी पे नमाज का निशान है, इट मीन्स के पंच वक्ता नमाज ही है मकसूद भाई, माशाल्लाह। और इसीलिए अल्लाह ताला ने आज भी आपको इज्जत दे रखी और कायम रखा। आगे आने वाले प्रोजेक्ट किस किस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं आप? अभी तो मैंने एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते पहले ले आ रखे गया था, यही अरबी का। क्या रोल, क्या किया था उसमें रोल? जिन बना था। स्मॉल साइज का जिन, जिनाया जिन। माचिस में से निकला होगा। हाँ, अच्छा चले जी। अब ये कर रहा हूँ, एक दो हार है प्रोजेक्ट उसमें। तो आपके पास इतना पैसा, प्रोडक्शन क्यों नहीं करते अपने? मैं प्रोडक्शन नहीं करता। क्यों? मैंने कोई गवाना नहीं है पैसे। इतना बड़ा बदमाश है तू, तो कर सकता प्रोडक्शन। जो बदमाश हो वही तो प्रोडक्शन करेगा। आप काम करेंगे? नहीं, इनका मन है। मेरे को तो मेरे पापा ने इजाजत ही नहीं दी जब मैं छोटी थी, मेरे पास सिखाई। फिर मेरे को इसके आई एम सॉरी खवातीन ज़ात ने खास मुझे एक और ब्रेक की जरूरत है क्योंकि काफी देर हो गई और ये भी अब माहौल जरा मुनासिब नहीं है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, खवातीन गफार ज़ात दौलत जी में कहीं मच जाएगा। मकसूद भाई हमारे साथ है। खुश आमदेद खवातीन हज़रात। जिले का काम कर, तेरे को कौन का जमात में कौन मना करता है? मैं लड़ूंगा पूरी जमात से। अभी तक रो रहे हैं, क्या करूं? चुस्नी मिलेगी कहीं? फीडर बना के लिया ना जा। इनको रोते हुए नहीं देख सकते? एक ही दफा में यह हाल हो गया। पक्के रोमांटिक हैं आप? नहीं नहीं, बेशर्मी की बातें नहीं कर, ऐसी बात नहीं है। वो आदमी को हमदर्दी है। खुद आपको रोमांटिक वो कर रहे हैं, मेरे को बुरा लग रहा है। मकसूद भाई, ड्रेसिंग के बारे में आपसे पूछ रहा था मैं कि कहाँ से करते हैं इतनी अच्छी? जूता कहाँ से खरीदा है? जूता खरीदते नहीं है, चमड़े में पैर रख के सिर्फ सिलवा देते हैं। चमड़े में पांव रख के क्यों? सही है, बहुत मजे। क्या पापा, बेल बजी बेल बजी बेल। हाँ हाँ, मुझे पता है। मेहमान 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 मेहमान। एक तो हमारे सर्वेंट क्या करते हैं इतने लंबे लंबे छुट्टी? समझ में नहीं आता, ये घंटी बजाने वाला मिले। आप बहुत इज्जत से प्लीज। ओके मकसूद भाई, आपने माइंड तो नहीं किया ना? मकसूद भाई आपको थोड़ी देर वहाँ बैठना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। जब मार के उतर जाओ। थैंक यू सो मच, तालियां मकसूद भाई के लिए, बहुत शुक्रिया सर। खवातीन हज़रात, अब जो हमारे दूसरे मेहमान हैं टेलीविज़न के और रेडियो के स्टेज के, ये उस ज़माने के बेहतरीन मजबूत एक्टर्स में से हैं जब स्टेज वाकई फैमिलीज़ देखने जाया करती थी। और उस ज़माने में इन्होंने लोगों को बिठा के अच्छा ड्रामा दिखाया और हंसाया। टेलीविज़न पे जो रोल किया उसमें भी आपको बेपनाह हंसाया। जो पुराने जैद मजबूत और काबिल किस्म के राइटर्स हैं, अथर शाह खान, मुन्नू भाई और कराची के जो अथर साहब के साथ बजिया हैं, अनवर मकसूद साहब हैं, ये जो मजबूत राइटर्स हैं,
वो इनके बगैर अपने ड्रामे को या सीरियल को मुकम्मल नहीं समझते, कहीं ना कहीं इनका रोल ज़रूर लिखते हैं, इसलिए कि ही इज़ द मैन ऑफ टाइमिंग। ख़वातीन हज़रात, आपकी तालियों में बुलवा रहा हूँ शहजाद रज़ा। आपको थैंक यू वेरी मच, प्लीज बैठे, बहुत शुक्रिया। बैठे, ये असल में मकसूद भाई की गद्दी रह गई। थैंक यू। मकसूद भाई से तो मुलाकात क्या हुआ? ये फुल स्टॉप होता ना लाइन में, एक फुल स्टॉप होता ना। हाँ, ये अभी दरख्वास्त अधूरी है। ये इसकी अम्मा ने इसको कच्चा तोड़ लिया था शहजाद। अच्छा शहजाद भाई, पहले तो आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं, नहीं। आपका बड़ा मसरूफ स्केजुअल है हमें पता है, और मेरे एक फ़ोन पे आप आ गए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं सर, ये तो बहुत मोहब्बतें हैं और आपकी पूरी फैमिली ऐसी है कि आपकी पूरी टीम की बहुत मोहब्बत की जाए, इनसे बहुत प्यार किया जाए, जाहिर है वो मैं भी फैमिली में बहुत मोहब्बत। हम लोग आपको इतना शौक से जब ही देखते, आप सकूरा नहीं बनते थे, सब्जी लाते थे भाई करके कद्दू मार दूंगा, जब से मेरे को तो सिर्फ वो याद है, हम नहीं खेल रहे दादा के साथ। आदम जी में जा जा के इसके ड्रामे देखती थी, ये उमर शरीफ की ने इसकी बहुत जबरदस्त जोड़ी थी। उमर और ये एक दूसरे के बगैर काम ही नहीं करते थे ना। और मैं तो इतनी सारी थी जब से मैं देख रही हूँ। नहीं बोल माँ, उस वक्त तेरे पे तजुर्बा हो। अम्मा प्लीज, गेस्ट हर गेस्ट को आप बूढ़ा नहीं बना दिया। नहीं नहीं, शहजाद कोई इतना बूढ़ा नहीं है, तेरा तेरा हम लोग इसका ड्रामा देखे। उमर शरीफ कोई बात बोले ये सर रिएक्ट करता था। मैंने अभी बोला ना, मैन ऑफ द टाइमिंग, टाइमिंग छोकरे सीखे। मेरा मतलब है कि आप टाइमिंग बहुत अच्छी है आपकी। ये दादी है मेरी, माफ कीजिएगा, इंट्रोडक्शन ये मेरी दादी है, मेरी बहुत दादागिरी है, ये मेरी मम्मा, आदाब कीजिए, ये हमारी बहू, बहू ये वो मेरे पापा, पापा ये रह गए पापा, वो ये किसी की तरह वो बड़े बढ़ने से रह गए। अच्छा शहजाद भाई, आपके रेडियो के करियर से शुरू करते हैं जी। रेडियो से आपने शुरू किया? रेडियो से शुरू किया और अब तक रेडियो कर रहे हैं? अभी तक रेडियो कर रहे हैं। जो रेडियो के आर्टिस्ट थे वो अब तक रेडियो नहीं छोड़ते, इसकी क्या वजह? क्योंकि सीखने का अमल जो है सारी जिंदगी जारी रहता है जी। और रेडियो वो जगह है जहाँ सीखने का अमल बड़ी बड़ी अच्छे तरीके से होता है। अच्छा, रेडियो में टेलीविजन से उस जमाने में ज्यादा सख्ती हुआ करती थी डायरेक्टर्स की, प्रोड्यूसर्स की, राइटर्स की, जो लोग वहाँ थे रेडियो पर जी बड़ी सख्ती होती थी और अब भी है। और लाइव हुआ करता था? लाइव के ज़माने में तो जाहिर है जिस वक्त शुरू हो गया प्रोग्राम तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तो जो है वो बूथ में चला गया जी, सारा कुछ चला गया आर्टिस्ट पे जी, आर्टिस्ट के दिमाग पे बूथ बन गया बिल्कुल। लेकिन जिस वक्त रेडियो का प्रोग्राम रिकॉर्ड भी होता था ना, या अब भी रिकॉर्ड होता है, तो बड़ी सख्तियों के साथ होता है, बड़ी देखभाल के साथ होता है कि क्या करना है, माइक डिस्टेंसेस क्या हैं और हम की क्या रोल प्ले कर रहे हैं। वहाँ पत्तेबाजी नहीं चल सकती, वहाँ कोई ऐसी बात नहीं चल सकती जो स्क्रिप्ट से हट के हो, वहाँ अपनी मर्जी नहीं चल सकती। देखिए, मर्जी एक हद तक तो आपकी हूँ हाँ, थोड़ा सा कैरेक्टर को सजेशन तो अच्छा सजेशन तो कहीं भी चल जाता है। फिल्म में क्यों नहीं काम किया आपने? इतना अच्छा एक्टर है, फिल्म में क्यों नहीं आया? असल में अगर फिल्म में इसलिए काम नहीं किया कि अभी इन मीडियम्स पे काम करने में टाइम नहीं मिल रहा, तो अगर फिल्म में काम करना शुरू कर देंगे तो बच्चे फिर यूं बड़े होंगे भाई। लेकिन आपको, हमने तो सुना है आर्टिस्ट जो होता है इसको बहुत ख्वाहिश होती है 35 mm पे आने की, आपको क्यों नहीं ख्वाहिश हुई? नहीं, हमारे दोस्त अहबाब काम कर रहे हैं, उनको देख के वो ख्वाहिशें पूरी रहती। ये तो कोई बात नहीं है, आपको खुद काम करना चाहिए, जब भी आप मुल्क का इतना बड़ा सरमाया हो आपको भी आना चाहिए, फिल्म करो आप। अभी हम लोग अपनी एक फिल्म बना रहे हैं कराची में। नहीं, मैं आपकी बात का तकलामी करता हूँ, फिल्म के लोग तो खुद टेलीविजन पे आ रहे हैं। वो तो आ रहे हैं। क्या वजह उसकी? क्या फिल्म नाकाम है इस वजह से? नहीं, फिल्म नाकाम नहीं है, बल्कि यहाँ जो है कैरेक्टर्स। यार एक मिनट भाई, ये मेरे को बोला नींद आ रही, इधर आ जा भाई, इधर आ जा, इधर भाई। आप देखिए, ये आपकी दोनों जेबों में कुछ है तो नहीं, चेक कर ले।
इनके पास टीटी है, ज्यादा बोलने का नहीं है। सज्जाद भाई मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। हाय हाय मैं सबके मेरा बच्चे ने क्वेश्चन बोलती नहीं है। बोलती बोलती है। मोइन भाई और आप अभी तक इतने जवान क्यों हैं? और वो हमारे क्या नाम है, इस्माइल तारा, इस्माइल तारा वो क्यों बूढ़े हो गए? इस्माइल तारा साहब जो है ना वो मोइन साहब से और मुझसे तो खैर बहुत बड़े हैं वो। अच्छा, इस्माइल तारा साहब बहुत बड़े हैं मुझसे, बहुत बड़े, और वो मोइन साहब से ही बहुत बड़े हैं उम्र में, उम्र में। अच्छा, क्या कह रहे थे? नेहरू का साथ और मोइन साहब भी मुझसे बड़े, मैं तो जाहिर है इतना बड़ा नहीं हूँ, वो लोग बड़े हैं। मैं तो आपको बचपन से देख रही हूँ, पता नहीं आपकी उम्र किधर छुपी हुई है। मैं मर जाऊँ, ये छोटा सा था तू जब से इसको देख रही है। मैं छोटी सी थी अम्मा, मैं तो उम्र नहीं है ना मेरी आप। अच्छा, मैं समझी ये छोटा था तो तू जब से देख। अच्छा, आपके फैमिली में बड़ा एकाएल, बहुत प्यार है, बहुत प्यार है आपस में, बहुत प्यार। आपको हमारे आने में कोई तकलीफ तो नहीं? गंडा गोला वगैरह खाने को मिला? रेडी नहीं, नहीं, अरे छह गाड़ियां मेरी, दो पुलिस की। मुझे मालूम हो गया, मैं आ रहा था ना, मैंने कहा भाई वो गफार भाई नाम है ना जी जी। अरे इसका भी नाम है, इसके बाप का दादा का भी नाम है, हम लोग की फैमिली। आपने आपने पूरी फैमिली में गफार ही नाम रखा? नहीं नहीं, हम लोग ऐसा होता है, अभी जैसे इसका नाम गफार है ना, गफार। अभी जब हमारे पोते का बच्चा होएगा इसका भी गफार। कौन नाम रखे, अलग अलग याद भी नहीं रहे, एक ही नाम। दादी दादी जैसा बोलती है हम वैसा करते। साउथ अफ्रीका से हमारा खानदान गफार स्पेन। शादी करोगी तो बच्चे आएंगे ना, शादी होने नहीं देती हूँ। जिधर कोई लड़की पसंद तो हम लोग गन कर देते हैं, मंगनी तोड़ के शादी ले कर रहे कोई लड़की आती शादी दफ्तर चलाता है क्या? मेरी अंदर भी तो कहा जाना भाई साहब, अगर आप ढूंढे ना कोई तो एक नहीं दो ढूंढिएगा। चलो बस मकसूद भाई, आप आपने इनके साथ स्टेज पे काम किया? हाँ किया। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैंने मकसूद भाई के साथ बड़ा काम किया, टेलीविजन पर भी, रेडियो पर भी और स्टेज पर भी। मकसूद भाई के बारे में ये बताऊं मैं आपको कि सीनियर आदमी है, कोऑपरेटिव बहुत है, कोऑपरेटिव बहुत है, पंक्चुअल है। हाँ। जो पंक्चुअलिटी इनमें आज तक है। हाँ। जो टाइम दे दिया प्रोड्यूसर ने। हाँ। उस टाइम पे आना इनकी एक सबसे बेहतरीन शौक है। शहजाद भाई आप मुल्क से बाहर कहीं प्रोग्राम करने गए? हाँ गए, बहुत सारी जगह गए, अमेरिका भी गए, हम साउथ अफ्रीका भी गए, टांगानिका गए। अपने मुल्क का जरूर जिक्र करना, टांगानिका। ये जिधर जंगली जानवर जाए उधर का बताती है। अम्मा मुआयदा हुआ है। माँ मेरा तो ये आप लोग वहीं से आएंगे? नहीं नहीं, आपने जिंदगी में बड़े ब्रेक लिए, एक ब्रेक हमको भी दिलवा दीजिए, कहीं मत जाइएगा। खवातीन हमारे साथ है। आगे वापस शहजाद भाई, शहजाद भाई ठीक है? शहजाद भाई ये स्टेज अब कहाँ चला गया? अब नजर नहीं आता, इतनी दूर चला गया। आप वो सीनियर्स हैं, आप वो उन, मैं पायनियर्स भी कह सकता हूँ, गलत नहीं होगा, आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने स्टेज को शुरू शुरू में भी किया। अरे इन्होंने उस जमाने में किया फैसल, आपको बताऊं जब टिकट नहीं था डिनामे का, हम लोग टिकट खरीद के जाने लगे। पहले हम लोग को कार्ड दे के बुलाते थे कि आओ ड्रामा देखो खुदा के लिए, नहीं नहीं आदम जी में बेटा, दादा और मैं जाते थे ड्रामे इनके देखते थे, तो हम लोग टिकट खरीद के जाते थे वहाँ पे, ऐसा ड्रामा करते थे। सही कह रहे हैं। तो फिर सवाल सर मेरा ये है कि वो रीत आपने ही डाली थी, उसी को आप लेके चले, तो अब वो आप दोबारा क्यों नहीं ले आते? तो फिर वो लोग दोबारा वापस आ जाएंगे। आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। ये जब हमारे यहाँ जिस जगह हम रहते हैं ना जी, वहाँ अगर हम लोग ये कर सकते होते ना एक होके, तो आज हम आर्टिस्ट अगर जी, तो आर्टिस्ट ही हमारे मुल्क को संभाल रहे होते। मैं आपसे बड़ी पक्की बात कर रहा हूँ, चूँकि हम लोग ये बात अब आगे हमें ख़राब तो हमसे हो जाता है काम, हम सही करना नहीं आता और न कर सकते हैं, न इतनी ताकत है हमें। तो मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है, जो करता धरता लोग हैं ना, जो इसके जिनको इस बात की तनख्वाहें मिल रही हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट मिली हुई हैं, उनसे गुजारिश ये है कि चूंकि उनकी जॉब यही है, नहीं उन्होंने तो पाबंदी लगा दी। पाबंदी नहीं नहीं, पाबंदी क्यों लगाते हैं आप? एक चीज दरवाजा बंद करना थोड़ी होता है हल्के। क्या हो गया पप्पा, चुटकी ले लिया? कितनी देर
से सारे कर रहे हैं, तेरे घर में खाना है। मैं हैरान रह गया कि है तो छोटे से छींक बहुत बड़ी है भाई। इतना छोटा सा आदमी जैसे बम ब्लास्ट हुआ, इससे तो हमारी बहू अच्छी है, पर ऐसी बेचारी छोटी सी बकरी की तरह ऐसे करती है बेचारी। अम्मा मेरे को कितनी देर से बोल रहे हैं शरबत है तेरे घर में, खाना है तेरे घर में। मेरा मकसद कहने का ये था कि इसकी अगर तस्ही करनी है, इसको अगर सही करना है तो मिलके हो सकता है, कोई अकेले किसी फर्द वाहिद चले 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 ये बात तो मिलके करें। ये बात भाई आपने ड्रेस पहना है माशाल्लाह, बहुत अच्छा जच रहा है, कहाँ से लिया है, बाहर का है? तू क्या समझ रहा है, लियाकत सोल्जर से मांग के लाया? दर्जन में सी है, दर्जन कपड़े देखिए, ये आप समझ रहे हैं बाहर के नहीं, पाकिस्तान के कपड़े, पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में बने हुए। दोस्त मैं कोशिश करता हूँ एक सच्चा पाकिस्तानी की तरह इस पाकिस्तान में रहूँ, जो चीज़ इस्तेमाल करूँ पाकिस्तान की, और पाकिस्तान में जितनी भी चीजें उनसे प्यार करूं, मोहब्बत करूं, इश्क करूं। तो इससे क्यों नहीं करते? ये पाकिस्तानी नहीं है ना? पाकिस्तानी है। नहीं नहीं, नहीं, नहीं। शहजादा ने बिल्कुल ठीक कहा, तालियां तो होनी चाहिए थी इस बात पे। तो ये बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, उरूज मिलता है, शोहरत मिलती है, पैसा कमाते हैं, यहाँ रहते हैं, जब थोड़ा सा डाउनफॉल आता है, जब देखते हैं कि लोगों ने देखना कम कर दिया, पैसे नहीं मिल रहे, काम कम मिल रहा है, यहाँ से फ्लाई किया, अमेरिका की ग्रीन कार्ड ले लिया जाके, कहीं कनाडा में शिफ्ट हो गए, कोई कोई फलाना चला गया, किसी ने कहीं कारोबार कर लिया, आपका कोई ऐसा प्लान है कि आप अपने, क्योंकि देखिए हर उरूज को तो जवाल है, ये तो अभी उन्होंने बोला मैं प्योर पाकिस्तानी हूँ, तो ये कैसे जाएगा? नहीं, इसको तो इसी मिट्टी से प्यार, मुस्तकबिल तो सबको प्यारा होता है ना बेटा, मुस्तकबिल तो हमारा पाकिस्तानी है, कुछ भी करो, जिधर रहो, जितना पैसा कमाओ, मरने इधर ही आते हैं, बोलते हैं डब्बा उधर ही ले जाके दफना, क्या बात कर रहे हैं। ये है वो बात की वो खुशबू जो हर पाकिस्तानी की जबान से आनी चाहिए। आपके काम की तरफ आना चाहूंगा शहजाद भाई, क्योंकि काम आपने इतना किया है कि अगर मैं गिनवाने बैठूं तो इसके 3-4 एपिसोड बन जाएं, फिर भी पूरा ना हो। कोई संजीदा रोल ऐसा याद है कि जिसका असर आपके घर वालों पे भी पड़ गया हो और उन्होंने कहा हो और वो भी रो पड़े हो? वो स्टेज पे पेमेंट नहीं मिली होंगी। मैं एक 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 संजीदा बात की है मैंने, ये जो इसने बात की है शहजाद साहब को अच्छी लगी, क्योंकि है ना देखो आजकल ऐसा होता है, घर वालों का ताल्लुक से पैसे से होता है और किसी चीज से नहीं। घर वालों को तो ये भी दुख नहीं होता कि बेचारा सारी रात जाग के काम करके आया, इस पे क्या मुसीबत, बोलते होंगे जा जा बहुत मजे करके आया। और मैं छोटी सी एक आखिर में बात जी, प्लीज प्लीज प्लीज, हर दिल में अरमां जिंदा है, दौलत से इंसान जिंदा है, वाह, और इस शहर में दौलतमंद वही है जिसकी अब तक माँ जिंदा है। वाह, मेरी माँ, मेरा बेटा, मेरा बच्चा। पापा, अभी देखो शहर किधर पहुंचता है। ओके ख्वातीन और हज़रात, आज शहजाद रजा साहब थे हमारे साथ गफ्फार ज़ेड दौलतजी में हमारे इस घर में, और महमूद हसन मकसूद हसन साहब थे। मकसूद भाई कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? मजाक हो गया, बस खत्म, मजाक हो गया। ये दिया ना वो मुझे बहुत पसंद आया, और यही मेरा पैगाम है कि माँ बाप की इज्जत करो बस। वाह वाह, माँ बाप, हमें पता है कि हमारे माँ बाप नहीं है, हाँ, जिसके माँ बाप नहीं है उसके दिल से पूछो, माँ बाप से इज्जत करो, माँ बाप की खिदमत करो। ओके ओके, सुन लिया बेटा, कल से सारे कपड़े तू मेरे धोया करेगा। पापा हाँ, मैं करूंगा, नहीं अभी मैं करूंगा, अभी मैं माँ बाप की खिदमत करूंगा, करूंगा, ठीक है, सर्फ से धो देगा, सर्फ से नहीं धोएगा। ओके ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों का हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। गफ्फार ज़ेड दौलतजी में आप बहुत बहुत हंसी हुई, बहुत मजाक हुआ, बहुत संजीदगी हुई, बहुत मालूमात हुई, सब पता चला। मैं किसी का मैसेज किसी भी तरीके से मजीद आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि जिसका भी मैसेज आज इस प्रोग्राम में था कंप्लीट मुकम्मल था, उसमें मफरूजा था, एक मकसद था, और आपके लिए एक बेहतरीन तोहफा था जो कि आप अपना लें तो ज़िंदगी आपकी हीरा बन जाए। थैंक यू सो वेरी मच, हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते फिर हमारे साथ रहिएगा, इसी तरह हंसते मुस्कराते हम इस गफ्फार ज़ेड दौलतजी में आपसे मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।